दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह पर्व विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए इस दिन लोग उपवास रखने के साथ विधि विधान से पूजा और भजन करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान के जन्मोत्सव को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ स्थानों में दही हांडी का भी उत्सव रखा जाता है। मध्यरात्रि के समय भगवान के जन्मोत्सव के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार साल के बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन साधु सन्यासी अर्थात शैव और स्मात संप्रदाय को मानने वाले लोग मनाते हैं, जबकि दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय और ब्रिजवासी इस त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में भक्त 2 रात बिना सोए भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।